गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हितेन मोदी स्वस्तिक एकेडमी मोटेरा के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे मैं आपको आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक का टुडे मैं फर्स्ट पार्ट आज आपको समझाने जा रहा हूँ। पार्ट वन से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले स्टैटिस्टिक, इस सब्जेक्ट में टोटल हमें 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट पहला लेसन है चैप्टर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर 1 है, सबसे पहले उसमें ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक का ओरिजिन कहां से हुआ, ग्रोथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो उसके बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट सिंस द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था तब से इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्टैटिस्टिक में है वो बहुत ही योगदान दिया हुआ है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसके बारे में आगे बात करें तो जो द ग्रेट सम्राट अकबर बीरबल की आपने कहानियां सुनी होगी, तो जब अकबर बादशाह थे तब तो उसमें भी स्टैटिस्टिक के बारे में बहुत डेटा वगैरह दिया गया था। देन आफ्टर गॉटफ्रीड एकेन वॉल इन 1749 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द वर्ड स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक वर्ड का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था वो गॉटफ्रीड एकेन वॉल। अब याद रखने के लिए वॉल को याद रख सकते हैं, वॉल गॉटफ्रीड एकेन वॉल फर्स्ट टाइम इन 1749, इन व्हिच ईयर 1749 फर्स्ट टाइम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। देन आफ्टर कार्ल पियर्सन फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, कार्ल पियर्सन को मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का फाउंडर कहा जाता है। देन आफ्टर फिशर इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, ई नहीं याद करना हूं द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है, फिशर तीन चार दिन पहले अभी फादर्स डे गया है, आपको शायद पता हो। तो स्टैटिस्टिक के जो फादर थे, फादर पिता जो थे, पापा जिसको पापा बोलते हो, तो स्टैटिस्टिक के पापा कौन थे, फिशर, फिशर इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक के उनको पापा फादर कहा गया, बिकॉज उन्होंने जेनेटिक में, बायोमेट्रिक्स में, साइकोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो बच्चों किसको, फिशर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है। देन आफ्टर नो डाउट सब कुछ भी होते ऐसा नहीं, सारी चीज़ें नॉर्मली तो फॉरेन से ही आती हैं, आप सब बच्चों को पता है कि भाई चाहे आईफोन हो यूएसएल से ले आओ, चाहे वीवो एमआई का फ़ोन हो चाइना से ले आते, कुछ तो बाहर का, बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फॉरेन से ही हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत कुछ है बच्चों। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय पीसी महानोबिस इन 1931 एट कोलकाता, जो पीसी महानोबिस थे, नहीं याद रहता तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर याद कर सकते, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी महानोबिस ने द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, इट वाज फाउंडेड बाय पीसी महानोबिस इन व्हिच ईयर इन 1931 वेयर कोलकाता में किया उन्होंने।
नाउ आगे बात करें तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय क्रॉस्टन एंड काउडन, क्रॉस्टन एंड काउडन जिन्होंने स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन दिया था। स्टैटिस्टिक इज द साइंस, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्रॉक्सटन ने काउडन ने क्या कहा, स्टैटिस्टिक एक साइंस है, साइंस विज्ञान है स्टैटिस्टिक, और क्या होता है इसके भी डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करने की बात आ रही है। डेटा कलेक्ट करना मतलब आप सारे बच्चों को पता है कि आपको कई बार आपके जीमेल में व्हाट्सएप में कुछ न कुछ आते हैं, सो एंड सो फॉर्म फिलअप कीजिए, सो एंड सो फॉर्म फिलअप कीजिए, कुछ कंपनियां आपसे डेटा कलेक्ट करती है। तो स्टैटिस्टिक का एक सबसे पहले पहलू है कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद क्या करो उसको एनालिसिस करो एंड इंटरप्रिटेशन करो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ रॉ डेटा कलेक्ट किया लेकिन उसको एनालिसिस नहीं किया तो आपके किसी काम का नहीं है। कौन सा न्यूमेरिकल डेटा, जिससे चलो मैं इस पर एग्जांपल देता हूँ, डेटा कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट करना मतलब जैसे कि आप सारे जो बच्चे हैं मेरे स्कूल के, मेरे क्लास के ही, मेरे स्कूल के सारे बच्चों को मैं कहता हूँ आप सारे बच्चे मुझे अपने टेंथ का मार्कशीट सेंड कर दीजिए। चलो सारे बच्चों ने टेंथ का मार्कशीट सेंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, सारे बच्चों का टेंथ का मार्कशीट मंगवा लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, तो क्या डेटा कलेक्ट करने से क्या हुआ, क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिली, मुझे उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस मतलब मे बी अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी तरह से, कि भाई टोटल या परसेंटेज की परसेंटेज बच्चों का 40% 50 55 51 52 53 54 60 61, तो असेंडिंग में मैं एनालिसिस करूँगा कि बच्चे मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं तो सारे बच्चों का एनालिसिस कि कहाँ से कि मिनिमम परसेंटेज 40% से लेके तो बच्चा 85% तक का यहाँ पर बैठा है। तो सिर्फ डेटा कलेक्शन करने से बच्चों को कुछ नहीं होता है, उसको एनालिसिस कीजिए। डेटा कलेक्ट किया, सबसे मार्कशीट मंगवा ली, बट उसका एनालिसिस कीजिए तो बच्चा यहाँ 40% से लेके तो 85% तक का बच्चा बैठा है, तो वो है एनालिसिस। तो क्रॉक्सटन काउडन ने जो डेफिनेशन दी क्या कहा, स्टैटिस्टिक एक तो साइंस है, वो किससे कनेक्शन रखता है, विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्शन करके क्या करना है, उसका एनालिसिस करो, और एनालिसिस करके उसका क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करो, इंटरप्रिट करो ओके 40 से 85 तक के इतने बच्चे हैं, फिर उसमें से भी कि भाई 40 से तो 60 तक के 10 बच्चे, 60 से तो 70 तक के 10 बच्चे, 70 से 85 तक के दूसरे 10 बच्चे, तो इंटरप्रिटेशन करो। ये था डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडन, याद रखना आपको लिखनी है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडन। नाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स होते हैं वो सब पॉपुलेशन है। जैसे कि हम बात करें एवरी 10 ईयर हमारे देश में सेंसस कंडक्ट होता है, सेंसस मतलब पॉपुलेशन का कैलकुलेट होता है ये पूरे इंडिया में टोटल कितना पॉपुलेशन है एवरी 10 ईयर, तो लास्ट 2011 हुआ था, 2021 में होगा 10 ईयर टोटल पॉपुलेशन वो कैलकुलेट होता है, काउंट होता है, ईच एंड एवरी घर पर जाके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे कि मैं बात करूं जो मेरे स्कूल में बैठे हुए सारे के सारे बच्चे, 30 बच्चे बैठे हैं, तो सारे 30 बच्चों का
जो डेटा कलेक्ट करना है वो है पॉपुलेशन। अंडर स्टडी, मेरे सामने 30 बच्चे बैठे हैं, स्टडी करेंगे वो है मेरा पॉपुलेशन। अब मुझे 30 में से जो 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं उसको मैं कहूंगा सेल, लेकिन जो 30 नंबर है दैट इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहां पर आप टोटल 30 बच्चे बैठे हो तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 30 स्टूडेंट्स इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब टोटल यूनिट्स कितने हैं, जैसे कि मेरे सामने आप टोटल जो बच्चे बैठे हो वो है मेरा पॉपुलेशन। अब नंबर, टोटल नंबर कितने बच्चे बैठे हो, 30, इट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। नाउ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, यूनिट सिलेक्टेड ऑन सर्टेन बेसिस, यूनिट सिलेक्टेड ऑन सर्टेन बेसिस फ्रॉम पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड सैंपल। अब पॉपुलेशन 30 बच्चों का है, अब मुझे उसमें से 5 बच्चे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सर्टेन बेसिस, दैट इज कॉल्ड सैंपल। अब बच्चों समझो ध्यान से, पॉपुलेशन यानी पूरा यूनिट। अब 30 बच्चे को एक पॉपुलेशन है, 30 में से मैं सिर्फ 5 बच्चों का सिलेक्शन कर रहा हूँ सैंपल। सर व्हाई सैंपल इज नेसेसरी, आप सारे 30 बच्चों का ही डेटा कलेक्ट कर लीजिए। तो बच्चों कभी कभी पॉपुलेशन इस तरह का होता है कि उसमें उसका इंक्वायरी करने में डेटा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इससे हालात में सैंपल ही कलेक्ट करना नेसेसरी हो जाता है। पॉपुलेशन मतलब टोटल यूनिट का इंक्वायरी करना, और सैंपल मतलब उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका इंक्वायरी करना। सपोज मैं बात करूँ, हमारा जो बॉडी है इसमें करीब 6 लीटर ब्लड होता है। अब जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो जो भी लैब टेक्नीशियन होते हैं वो आपकी बॉडी का पूरा 6 लीटर ब्लड ही निकाल देते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी सुई चुभते हैं और ऐसे करके इतना सा ब्लड निकाल के एक बॉटल में डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ बच्चों, वो है सैंपल, वो है सैंपल। पूरी बॉडी जो पॉपुलेशन है, इस पूरी बॉडी के पॉपुलेशन इसमें जो 6 लीटर ब्लड है वो पूरा ब्लड नहीं निकालते हैं, उसमें से छोटा सा सुई मार के इतना सा ब्लड लेके जो इंक्वायरी करते वो है सैंपल। डे टू डे लाइफ में आपकी मदर डेली सैंपल करती है, लेती है, किस जरूरत है। सुबह आप जो अच्छी सी मीठी सी चाय पीते हो, चाय कौन बनाता है, आपका मम्मा। अब आप देखा ना मम्मा सुबह चाय बनाते टाइम जो चाय का पतीला होता है उसमें चम्मच से गोल गोल हिलाती है और कभी कभी थोड़ा सा से यूँ रख के चख लेती है कि शायद चाय में चीनी कम तो नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं। तो वो क्या है, वही तो सैंपल है बच्चों, वो सैंपल है। अगर पतीला भर के जो चाय है जो पूरे फैमिली के लिए मम्मा बनाती है वो पॉपुलेशन है। अब उसमें से एक चम्मच मम्मा जो चख लेती है वो है सैंपल बच्चों। मम्मा सुबह दाल बनाती है तो दाल पतीला भर के दाल जो है वो है पॉपुलेशन, लेकिन उसमें से चम्मच चख लेती है वो है सैंपल बच्चों। मम्मा सुबह जब चावल बनाती है पतीले भर के तो चावल पके है कि नहीं पके, इसलिए मम्मा चावल होता है तो चावल में से ऐसे एक का चावल का दाना लेके इसे प्रेस करके देख लेती है, हाँ चावल पक गए कि नहीं पके, नहीं पके थोड़ा पकाती है और पक गए जैसे पक गए हैं, पर वो सैंपल लेती है बच्चों। मम्मा चावल पकेगी उसके लिए क्या करती है, सिर्फ एक चावल का दाना लेके चेक करती है। उसके लिए मम्मा पूरा चावल के पत्ते में से हाथ डाल के इसे हाँ चावल पक गए ऐसा नहीं करती है, देख लेना बच्चों, पूछ लेना मम्मा से, सिर्फ एक दाना चावल का लेके पकेगी। तो डेट इज द सैंपल बच्चों, वही सैंपल है पॉपुलेशन। तो क्या हुआ पॉपुलेशन, पतीला भर के चाय पॉपुलेशन है, पतीला भर के दाल पॉपुलेशन है, चावल पतीला भर के पॉपुलेशन, बट उसमें से जो थोड़ा सा लेते हैं वो है सैंपल। तो जब यूनिट का डिस्ट्रक्शन करना होता है तब आपको सैंपल ही लेना है, आपको पॉपुलेशन नहीं लेना है। ना बात करते हैं वेरिएबल, क्योंकि डेटा जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो टाइप के हैं, तो इफ
variable characteristic is non-numeric. It is called qualitative data. Variable character क्या है? Non-numeric. Non-numeric क्या है? Religion. आपको मैं पूछूं, आपका religion क्या है? तो आप क्या कहोगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. आप जो मुझे आंसर दोगे वो है non-numeric. आपको ये सब नहीं बोलूंगा मैं 50-50, मैं 50% हिंदू, 50% मुस्लिम, ऐसा थोड़ी कहोगे कि आप यही कहोगे मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, सिख हूँ या ईसाई. तो वो डेटा जो है क्या है नॉन न्यूमेरिक. जेंडर, अगर आपको जेंडर पूछे आप क्या मेल हो या फीमेल, तो वो जो डेटा है नॉन न्यूमेरिक. आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन न्यूमेरिक डेटा है. तो जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. देखिए वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल. लाइक हम बात करें मंथली इनकम ऑफ योर फादर, आपके फादर की मंथली इनकम, तो अब आंसर किस पे दोगे बोलो बच्चों, कि आपका फादर का पेरेंट्स का मंथली इनकम क्या है. आप क्या आंसर दोगे? सर पर मंथ मंथली इनकम 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, व्हाटएवर इट बी. तो वो आंसर किस पे आया? न्यूमेरिकल में. If answer is numerical, then it is called numerical variable. Age, आपका age क्या है बच्चों? 15 year, 16 year. Answer क्या आया? Numerical. It is called numerical variable. आपका weight कितना है? वजन कितना है? आपका वजन? Sir, 40 kg, 45, 50, 70, 80 kg. आंसर किसमें आया? न्यूमेरिकल, मतलब इट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल. तो बच्चों मैंने आज आपको स्टैटिस्टिक के पार्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर वन है डायरेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक कहाँ से हुआ, तो उसमें आईने अकबर इसे स्टार्ट किया, कार्ल पीशन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के फाउंडर रहे, वॉल जो 1949 में फर्स्ट टाइम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय इसी मालोनोविस 1931 एट कोलकाता, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय फॉस्टर एंड काउडर, उसके बारे में पढ़े, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पढ़े, पॉपुलेशन सैंपल क्या है उसमें भी क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेटा क्या है इसके बारे में हमने आपको समझाया है. नेक्स्ट में पार्ट के अंदर हम प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. तो पार्ट वन इज नाउ हियर ओवर.